मैं हूँ राहुल चौहान और आज हम खेलेंगे स्पाइडरमैन का ऑफिशियल गेम। पूरी स्पाइडरमैन वाली वाइब्स आ रही है। गेम का मेन्यू भी बहुत तगड़ा है, नॉर्मली सही है हमारे लिए तो। Hey, Spider. तो ये गेम प्लेस्टेशन 1 और पीसी के लिए आया था अपने जमाने में, साल 2000 में। मतलब जब तक तो आप लोगों में से आधे भी पैदा नहीं हुए होंगे, पर आज के टाइम पे हम इस गेम को अपने अपने मोबाइल डिवाइस पे खेल सकते हैं। और ये है जाले फेंकने का पैकेट। तो इस गेम में बहुत ज्यादा बड़े बड़े करेक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर ऑक्टेवियस, समथिंग्स गोइंग ऑन हियर, स्कॉर्पियन, राइनो, डेयरडेविल। होल्ड इट स्पाइडर, ही डजंट लुक फ्रेंडली। ये शकल से चोर लग रहा है, और ब्लैक कैट समझ रही होगी कि अगर वो मुझे नहीं बताती कि ये चोर है तो मैं इसको गोदी में लेकर लोरी गा रहा होता। कुछ भी कहो, इसका खात्मा बड़ा घिनावना हुआ है, इसको तो सांस भी नहीं मिल रही होगी। और उसको तो शायद ये भी नहीं पता चला होगा कि वो स्पाइडरमैन के हाथों पेला गया है, क्योंकि मैंने पीठ पीछे जाला फेंक के मारा था उसको। इस बार पीठ पीछे मुक्का। Yeah, that's right. मैंने इतना बुरी तरह तोड़ा इसको कि स्पाइडरमैन को भी मजा आ गया। Ready at full health. तो मतलब हेल्थ कौन दे रहा है जबरदस्ती? तो एक बैंक पर गुंडों ने कब्जा कर रखा है और वहाँ के स्टाफ को जबरदस्ती पकड़ कर रख रखा है। बस ये धक्का ना दे दे मुझे, वरना मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझसे डरकर बिल्डिंग से खुद कूद गया, चूजा गई का। तो मोटा मोटा आपको इस गेम की अब तक की कहानी बताऊँ तो डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस एक इवेंट में भाषण दे रहा था टेक्नोलॉजी के ऊपर, तभी वहाँ एक नकली स्पाइडरमैन आकर उसकी मशीन चुरा कर ले जाता है, और वो नकली स्पाइडरमैन एडी ब्रोक का कैमरा भी तोड़ देता है। हमारा वेनम वाला एडी ब्रोक डिप्रेशन में चला जाता है। ले भाई तू भी डिप्रेशन में चला जा। और ये भी चेहरा नहीं देख पाया मेरा। कैमरा टूटने के बाद एडी ब्रोक वहाँ पर अपनी चूड़ियाँ तोड़कर रो ही रहा होता है कि वेनम उसको पीछे से दबोच लेता है। और ये गेम वाला वेनम गद्दार वेनम है, ये मूवी वाला वेनम नहीं है। और अब मैं पीछे से इसको दबोचूंगा। हाँ भाई, पुलिस चॉपर है। स्पाइडरमैन होकर पुलिस चॉपर देखकर 5 साल के बच्चे की तरह खुश हो रहा है, जिसमें खुश तो इसको ब्लैक कैट को देखकर होना चाहिए था। But be careful, Spider. ये बार बार ब्लैक कैट छलांग लगाकर जाती कहाँ है? तो हम बात कर रहे थे नकली स्पाइडरमैन की। When I'm hurt, these will help restore my health. तो ऑक्टेवियस की मशीन चोरी होने के बाद ऑक्टेवियस पूरे शहर में धुआं छोड़ देता है। भाई तू बोल ले, मैं बोल लूंगा। That was right. It's the Jade Syndicate. और ये पूरा पीला धुआं पूरे शहर में है, और ये जहरीला धुआं है। और वेनम भी ऑक्टेवियस के साथ है, और नकली स्पाइडरमैन भी वो ऑक्टेवियस का आदमी था। I'm already at full health. अपने दोस्त को पिटता हुआ देखेगा गद्दार। Compliments of your friendly neighborhood Spider-Man. ये कोने में कर क्या रहा है? टोनी स्टार्क की आवाज में ये टकला अपनी फिल्म बना रहा है। था क्या वैसे इस दीवार पे जो इसको घूर रहा था? शायद जिंदगी में पहली बार दीवार देखी होगी इसने। हाँ बोल, मुंह पे बोलना जो कहना है। हे, क्या कर रहा है? हे, अपने दोस्त का बदला लेगा। That's the last one. Hope these hostages are still all right. और फाइनली हम बैंक के अंदर घुस गए हैं, और इसी बैंक को ऑक्टेवियस के आदमियों ने बंदी बना रखा है। अरे भाई ये क्या कर रहा है, लोग गलत समझेंगे। I hope they don't mind if I make a quick deposit. मैं तो माइंड नहीं करूंगा, पर बैंक वाले माइंड करेंगे अगर तू उल्टी सीधी चीजें डिपॉजिट करेगा तो। ठीक है, तूने सॉरी बोल दी, बात खत्म। तो हम बात कर रहे थे कि इस बैंक में बहुत ज्यादा, बैंक में नहीं, इस गेम में बहुत ज्यादा करेक्टर्स हैं, बढ़िया बढ़िया वाले। देखो डेयरडेविल से हम खेल तो नहीं सकते, पर एक कटसीन में डेयरडेविल आता है इस गेम के। पर जितने भी विलेन करेक्टर्स हैं हम उन सब से तो लड़ेंगे ही। हाँ तो इस गेम में 5-6 विलेन है। Do have hostages. Have to make sure they don't get hurt. हाँ 6 विलेन है, स्कॉर्पियन, राइनो, ऑक्टेवियस, वेनम, कार्नेज और मिस्टीरियो। और 6 के 6 प्रीमियम क्वालिटी के विलेन है, कोई ऐरा गहरा रैंडम विलन नहीं है इस गेम में, सब बढ़िया है। Holding down the L1 button allows me to target my web. If the reticle turns green, I can press R2 to swing to that point. अभी तो मुझे ये नहीं करना, आगे से रास्ता होगा कोई। रास्ता कहाँ है? जाना कहाँ है पर? Looks like that room there controls the security doors. अच्छा इस कमरे में जाना है। From the inside. There's got to be another way in. चलो दबा देते R1, और मैं यहाँ पे ऊपर छत पे चिपक गया हूँ। और इस गेम का सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि इस गेम का पूरा ओपन वर्ल्ड जैसा एनवायरनमेंट है, हम अपनी मर्जी से इधर उधर जा रहे हैं, गेम में पूरी फ्रीडम है। गेम्स को गेम प्ले पे फोकस रखना चाहिए जैसे कि इस गेम ने रखा है, और ये फ्रीडम बिल्कुल सही है। और इस खुफिया कमरे में शायद एक गुंडा है। Looks like these switches can open the security doors. सिक्योरिटी डोर्स बाद में ओपन करेंगे, पहले मैं इस गुंडे को ठिकाने लगा दूं। इसको अभी भी पता नहीं चला मैं इस कमरे में हूँ, ये कौन सी दुनिया में जी रहा था, ये सोच क्या रहा था। खैर मैंने उसका काम आसान कर दिया, अब पूरी जिंदगी अच्छे से सोचता रहेगा। सबसे पहले हमने पहला गेट ओपन कर दिया है,
और अभी तो हाँ एक आदमी छुटकर भागा है वहां से, और अब दूसरा गेट ओपन करते हैं। और ये जिस कमरे में मैं हूँ इसी का गेट था, और अब मुझे तीसरा गेट ओपन करना पड़ेगा। और ये तीसरा गेट कहाँ का होगा? और ये तीसरा गेट है, अच्छा गुंडों का है, अब पिटेंगे मुझसे। दोनों आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं, इनको पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे गोलियां चला दी इसने तो। अबे यार क्लैश रॉयल की स्ट्रेटजी लगाई इन्होंने मुझे हराने के लिए। मेरा फोकस पहले वाले पे था और दूसरे वाले ने मेरा गेम बजा दिया। एक मन तो कर रहा है स्पाइडरमैन को एक हेल्थ भी लेने ना दूं, पर इसमें मेरा घाटा होगा और इसका कुछ नहीं जाएगा। और एक हेल्थ की पुड़िया ने अपना पूरा काम कर दिया, हमारी हेल्थ लगभग पूरी हो ही गई, बस थोड़ी सी कमी है। और सामने हेल्थ की एक और पुड़िया है, अब तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। उल्टा बेचारे का ओवरडोज हो गया, तगड़ा म्यूजिक सा रखा है जिससे कोई बड़ा गुंडा आएगा। और नो सिक्योर को भेज दिया, इनको मेरी पावर्स की लिमिट नहीं पता। मेरे पास जाले फेंकने के 9 डब्बे पड़े हैं। हाँ बचाऊंगा, तुम लोगों को ही बचाने के लिए आया हूँ मैं, डरो मत, कोई बात की टेंशन मत लो। बताओ कौन सा दरिंदा तंग कर रहा था इन मासूम जीवों को? सुपर हीरो की जिंदगी का यही है, किसी बंदे ने थैंक्स भी नहीं कहा। तो क्वेश्चन मार्क पे चलते हैं। चलो सबसे पहले पिक अप एन ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग पंच एंड आई कैन थ्रो द ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग पंच अगेन। ये बहुत काम की बात बताई स्पाइडरमैन ने कि मैं स्क्वायर को दबाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा सकता हूँ, किसी भी सामान को, और फिर दोबारा स्क्वायर दबाकर मैं कोई भी सामान फेंक सकता हूँ। अब इन गुंडों को मुझसे कौन बचाएगा? Going down? नीचे जाने के नाम से ज्यादा ही खुश हो रहा है लुंडा, नीचे ऐसा है क्या? वैसे इन गुंडों को पता तो चल गया होगा ना मेरे नीचे आने का, क्योंकि मैं इन्हीं की लिफ्ट से आया हूँ। मुंह फेर के खड़ा है निर्लज, गुंडा होके भी काम चोरी कर रहा है, पर मैंने इसको बिल्कुल चुपचाप मारा है, किसी को भनक भी नहीं लगी होगी। अब तक नहीं मारा उसको, मेरे सामने क्यों मार रहा है? गुंडेपन में प्रमोशन चाहिए था क्या? अब इसके बाकी साथियों में भी जोश चढ़ गया होगा, हरकतें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको ऊपर से ऑर्डर मिला होगा स्पाइडरमैन के सामने एक दो आदमियों को ज्यादा मारना। अब तक ये सारे मिलकर कबड्डी खेल रहे थे क्या? ले तू भी खुराक ले ले, क्यों मचल रहा है? शांति से बंधा में नहीं जा रहा। स्पाइडरमैन की हेल्थ थोड़ी कम हुई है और मैं इसको एक हेल्थ की पुड़िया दे देता, पर अगर अभी मैं दूंगा तो ये फिर एक्टिंग करेगा, फुल हेल्थ बोलकर रोने लगेगा। ये नहीं कि अगर फुल हेल्थ हो ही गई है तो दीवार में जाकर टक्कर मार 4-5 और हेल्थ कम कर ले अपनी। और इस कमरे में शायद एक ही गुंडा है। Mind if I drop in? और इसको मेरे यहाँ आने की भनक भी नहीं हुई, शायद डिप्रेशन में जी रहा था बेचारा। चलो मैंने इसका डिप्रेशन खत्म कर दिया। यहाँ इसका साथी भी है, टीवी देख रहा है। क्या अबे साइको, एक खाली टीवी देखकर क्या मजा आ रहा है तुझे? और ये बिजली का बिल कौन भरेगा? टीवी देखने का इतना शौक था तो गुंडा क्यों बना? साथ ही आ गया इसका और खतरनाक लग रहा है वो शकल से ही। इससे पहले वो मेरे ऊपर गोलियां चलाए, मैं उसको देखते ही उसके ऊपर जाला फेंक दूंगा, ले जाला। और अब जब तक ये इस जाले को छुटाएगा मैं इसी को यहाँ से छुटा दूंगा। कुछ भी कहो ये गुंडा अपने कट सीने में तो तगड़ा ही लग रहा था। More hostages and a bomb. Have to be really careful here. ये सिक्योरिटी मशीन स्पाइडरमैन को देखकर पीपी क्यों कर रही थी? और ये वाली मशीन भी पीपी कर रही है। और यार मैं वुल्वरीन थोड़ा हूं, जो अंदर लोहे है या एडामेंटियम है। अभी खोलता हूं इन गुंडों का एरिया, अब देखते हैं करते क्या है। Start the timer on the bomb and take out all the hostages. इन लोगों ने बॉम्ब भी चला दिया और हॉस्टेजेस को भी मार रहे हैं। मुझे जल्दी करना पड़ेगा वरना बॉम्ब मेरे ऊपर ही फट जाएगा। एक गया और एक बाकी, और ये भी। अरे कौन गोली मार रहा है? अरे अरे अरे, हेल्थ तो बहुत कम कर दी पीछे वाले ने। अरे भाई अपने आप को तो बचा लो, तब तुमको बचाऊंगा ना। The robbers have been taken care of, but what can I do about the bomb? Think, Spidey, think. वैसे इन गुंडे लोगों की स्ट्रेटजी बढ़िया थी। Pressing punch will also allow me to pick up objects. एक गुंडा मेरे आगे अड़ गया और दूसरे ने मेरे ऊपर गोलियों की बारिश कर दी। अब अगर इस पूरी बैंक की बिल्डिंग में एक भी गुंडा जिंदा होगा तो वो सिर्फ एक गोली में स्पाइडरमैन का खेल खत्म कर सकता है, जो कि मैं हूँ, मतलब मेरा। पर मुझे नहीं लगता अभी कोई जिंदा बचा होगा। यार कहिए बम इस बीप बीप वाली मशीन में फट ना जाए। अब तो मेरी हेल्थ भी लो है, फटा तो मेरा खेल खत्म और मैं बच गया। तिजोरी खोलने के लिए मुझे बॉम्ब को फेंकना पड़ेगा, बस ये फट ना जाए, वरना जे जोना जेमसन तो उल्टा ही छाप देगा कि बैंक को लूटने आए स्पाइडरमैन के ऊपर बॉम्ब ने फटकर बैंक को बचाया। जे जोना जेमसन का कोई भरोसा नहीं है। बिग सेफ। अब यार इस सेफ के अंदर लोगों ने गोल्ड रख रखा है, या बैंक वालों ने, ये सारा गोल्ड अब तबाह हो जाएगा। पर सेफ तो बहुत तगड़ी है, हो सकता है बिल्डिंग बच जाए इस बॉम्ब से, पर ना बचे तब भी मेरे पास 30 सेकंड्स के ऊपर है, मैं आराम से यहाँ से बचकर भाग सकता हूँ। चलो भाई रख दे बॉम्ब को, कौन कितना उठाएगा। जैसे बॉम्ब को उठा उठा के फेंक रहा है ताकत लगा लगा के, अगर रियल लाइफ होती तो ये बॉम्ब के साथ उड़ जाता। शायद किसी गेम में बॉम्ब के साथ इतना वाइल्ड सीन नहीं होगा, पर अब इस तिजोरी का सारा गोल्ड तो गया। Not this time, guys.
चलो सही टाइम पे निकल गया है, क्योंकि पुलिस का कोई भरोसा नहीं कि इसी के पीछे भाग लेती। किसी ने देखा नहीं होगा तो कुछ बोलने का फायदा नहीं है।